टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल दोनों ही बॉलीवुड के बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक हैं। इन दोनों सुपरस्टारों की फिल्मों में लगभग हर एक सीन एक्शन से भरपूर होता है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में फैंस सिनेमाघरों की तरफ रुख करते हैं। विद्युत जामवाल अपनी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन के लिए जाने जाते हैं और इसी कड़ी में टाइगर श्रॉफ भी आते हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर में साथ काम किया था। वॉर फिल्म में उनकी धमाकेदार सक्सेस के बाद सभी इन दोनों सुपरस्टारों के फैन हो गए थे। बताना चाहेंगे, टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन दोनों बेहतरीन एक्शन हीरो के अलावा बेहतरीन डांसर भी हैं और दोनों की जोड़ी ने वॉर फिल्म में धमाल मचा दिया था। लेकिन ऐसे में अब फैंस की मांग उठ रही है विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ किसी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और वो फिल्म जल्द ही बनकर सिनेमाघरों में रिलीज भी हो। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों सुपरस्टारों के चाहने वालों के लिए यह फिल्म किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल दोनों ही बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक माने जाते हैं। एक्शन और डांसिंग के लिए दोनों सुपरस्टार काफी ज्यादा मशहूर हैं और ऐसे में अब फैंस की मांग उठ रही है कि ऋतिक के बाद टाइगर श्रॉफ विद्युत जामवाल के साथ एक बड़ी फिल्म लेकर आएं। इसी के साथ ही अगर इन दोनों सुपरस्टारों की अगर फिल्मों की तरफ गौर करें तो टाइगर श्रॉफ की बागी सीरीज सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। बागी फ्रेंचाइजी के दोनों इंस्टॉलमेंट को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और इन दोनों इंस्टॉलमेंट में टाइगर श्रॉफ के बेहतरीन एक्शन सीन भी देखने को मिले। इसी के साथ ही विद्युत जामवाल की बात करें तो विद्युत जामवाल की कमांडो सीरीज भी किसी से कम नहीं है। कमांडो सीरीज में जितने भी खतरनाक एक्शन सीन को परफॉर्म करना था वो खुद उन्होंने परफॉर्म किया है, ना कि किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। तो यूँ कहना गलत नहीं होगा कि अगर टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल किसी एक फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों सुपरस्टारों के लिए ये फिल्म किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल दोनों ही बेहतरीन एक्शन हीरो कहलाए जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड का कोई बड़ा प्रोड्यूसर इन दोनों सुपरस्टारों को कास्ट करे और एक बेहतरीन एक्शन स्क्रिप्ट लिखे। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बॉक्स उस पर धमाल मचा के रख देगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल को एक साथ किसी फिल्म में देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली ने साल 2015 में आई फिल्म हीरो के जरिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उन्हें बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने बॉलीवुड की फिल्मों से रूबरू कराया था। हालांकि हीरो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन सलमान खान ने ही उन्हें बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने में मदद की थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों यूँ कहा जा सकता है कि सलमान खान आखिर सूरज पंचोली के इतना करीब क्यों हैं, क्योंकि बैक टू बैक सलमान खान हमेशा से ही सूरज पंचोली की मदद करते आए हैं। हीरो के बाद उनकी सैटेलाइट शंकर फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ये फिल्म रिलीज होते ही सिनेमाघरों से गायब हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान खान सूरज पंचोली का करियर संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सूरज पंचोली के लुक्स और उनकी फिटनेस को लेकर हमेशा से ही सोशल मीडिया और मीडिया पर चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन सलमान खान से सूरज पंचोली का कुछ गहरा ही रिश्ता लगता है, क्योंकि बार बार सलमान खान सूरज पंचोली को ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बताना चाहेंगे, सलमान खान ने बीते मंगलवार को सूरज पंचोली की अगली फिल्म हवा सिंह का फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सच्ची घटनाओं पर बन रही यह फिल्म भारत के मशहूर हैवीवेट बॉक्सर हवा सिंह की बायोपिक होगी, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग भी कहा जाता है। फिल्म में गांव से निकले एक लड़के का बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम बनने तक का सफर दिखाया जाएगा और इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा था, हवा से बातें करेगा सिंह, हवा सिंह बायोपिक। बताना चाहेंगे, इस पोस्टर में सूरज बॉक्सिंग रिंगनुमा घेरे में बड़े ग्लास से लस्सी पीते नजर आ रहे हैं और उन्होंने शरीर पर सिर्फ लंगोट पहन रखी है। हालांकि सूरज पंचोली की कुछ ज्यादा फिल्में तो रिलीज नहीं हुई हैं, लेकिन जब भी उनकी कोई फिल्म का ऐलान होता है तो सलमान खान उनकी किसी भी फिल्म को प्रमोट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि एक फिल्म के रिलीज होने के बाद सलमान खान उन्हें किसी न किसी प्रोड्यूसर से दूसरी फिल्म जरूर दिलवा देते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि सलमान खान सूरज पंचोली का करियर संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में सूरज पंचोली बॉलीवुड के एक बड़े सितारों में से एक बन सकते हैं।